गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 3 मैथ्स चैप्टर 9 टेलिंग द टाइम। बच्चों आज हम समय के बारे में पढ़ेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं वार्म अप। थोड़ा सा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मिनट, आवर, क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सभी कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्टली हम थोड़ा सा वार्म अप देखेंगे। अ क्लॉक इज यूज टू मेजर टाइम। घड़ी हमें समय देखना बताती है, समय बताती है। द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड, लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड, एंड आवर एंड मिनट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। द आवर हैंड शोज द आवर एंड द मिनट हैंड शोज द मिनट बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, सो हमारे घड़ी में जो छोटी सुई होती है वो हमें घंटा बताती है, और लंबी सुई जो होती है वो हमें मिनट्स बताती है। यहाँ हम देखेंगे 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर एंड 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है और एक घंटा हमारा 60 मिनट का होता है। अब आएंगे हम क्लॉक पर। ये है हमारी क्लॉक। ओके, आप देख रहे हैं इसमें 12 तक डिजिट्स दिए हुए हैं और हर डिजिट के बीच में 5-5 मिनट्स का डिफरेंस होता है। इस घड़ी में हम कैसे देखेंगे अपना टाइम? हमारी छोटी सुई जो है वो 3 और 4 दोनों के बीच में है, और बड़ी सुई जो है वो 6 पर है, यानी हमारा टाइम है 3:30, यानी 3:30 बज रहे हैं, 3:30 हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इस घड़ी में छोटी सुई हमारी 2 पर है और बड़ी सुई हमारी 12 पर है, यानी कि पूरे के पूरे 2 बज रहे हैं। आवर हैंड एट 2 मिनट है, 2 मिनट हैंड एट 12, टाइम इज 2:00 और 2। इस दो तरह से हम टाइम को लिखते हैं, 2:00 और 2। हाफ पास्ट 3 और 3:30। 3:03 आधा घंटा हो चुका है और 3:30 हम टाइम में इस तरह लिखते हैं। इसी तरह आपको नीचे कुछ क्लॉक्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्लॉक है हमारा ये, इसमें हमें टाइम देखना है और बताना है और नीचे लिखना है कि इस घड़ी में कितने बज रहे हैं। इस घड़ी में छोटी सुई जो है 5 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो यानी कि 5 बज रहे हैं। इसी तरह आप कुछ क्लॉक्स आपको दिए जाएंगे बच्चों, आपको उन्हें देखकर और उनका टाइम समझकर लिखना है।